हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपकमिंग कार्स यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम आज आपके साथ ऐसी गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं जिसे इंडियन कस्टमर्स द्वारा काफ़ी पसंद किया जाता है। तो हम बात करने वाले हैं टाटा नेक्सोन की, जो हकीकत में काफ़ी अच्छी कार है। सोर्सेज से हमको ये पता लग रहा है आने वाले साल में हम लोगों को नेक्सोन का न्यू जनरेशन देखने को मिलेगा और हम लोगों को न्यू जनरेशन में काफ़ी अच्छे अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं। इसी वीडियो में हम लोग आपके साथ फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। वेलकम गाइज, जो हम लोगों को सबसे पहले अपडेट देखने के लिए मिलेगा वो होगा इसके एक्सटीरियर में। सबसे पहले गाइज, हम लोगों को इसमें ब्रांड न्यू हेडलाइट्स देखने को मिलेंगे, साथ ही में जो फ्रंट में ग्रिल्स है उनका डिजाइन भी अलग देखने को मिलेगा। साथ ही में फ्रंट और रियर में बम्पर्स भी रीडिजाइन किए जाएंगे और सबसे बड़ा अपडेट टेल लैंप्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको टाटा नेक्सोन का रियर लुक अच्छा नहीं लगा, खास करके टेल लैंप्स का, तो उस पर भी हमें काम देखने के लिए मिलेगा। और एक्सटीरियर में एक और अच्छा अपडेट देखने के लिए मिलेगा। अभी तक टाटा नेक्सोन में R16 तक के अलॉय व्हील देखने के लिए मिलते थे और न्यू जनरेशन में R17 अलॉय व्हील देखने के लिए मिल सकते हैं। और बाकी के अपडेट्स हम लोगों को इंटीरियर में देखने के लिए मिले गए। इंटीरियर में जो अपडेट आने वाला है उसमें से सबसे पहला अपडेट होगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। इसमें हमें फुली डिजिटल डिस्प्ले MID देखने के लिए मिलेगा। अभी जो टाटा नेक्सोन में डिस्प्ले आता है वो अभी TFT डिस्प्ले है। TFT डिस्प्ले ठीक है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं होती जितनी MID डिस्प्ले है। TFT डिस्प्ले में देखने में थोड़ी दिक्कत आती है और देखने में भी प्रीमियम नहीं लगती। MID डिस्प्ले फुल प्रीमियम होगी। नेक्स्ट बड़ा अपडेट इंटीरियर में हम लोगों को इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन के अंदर देखने को मिलेगा। अभी तक हम लोगों को 7 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने के लिए मिलती थी, इसको हटा के हम लोगों को टच स्क्रीन 8.8 इंचज तक की इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी। ये अपडेट टाटा नेक्सोन के इंटीरियर में काफ़ी अच्छा अपडेट साबित होने वाला है। नेक्स्ट बड़ा अपडेट हम लोगों को एयर प्योरीफायर का देखने को मिलने वाला है। आप सब लोग जानते हैं हम लोगों को टाटा सफारी के अंदर एयर प्योरीफायर प्रोवाइड करवाया जाता है इंफोटेनमेंट स्क्रीन के अंदर ही। अब हमें नेक्सोन के अंदर भी ये फीचर देखने को मिलेगा। आज के टाइम के ये फीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ चुका है, तो एयर प्योरीफायर गाड़ी के अंदर होना मस्ट है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट बड़े अपडेट को लेकर। जो हम लोगों को न्यू जनरेशन में देखने के लिए मिलेगा वो होगा फ्रंट सीट्स के अंदर, ड्राइवर सीट्स एंड फ्रंट पैसेंजर सीट के अंदर। तो हम लोगों को फ्रंट सीट में वेंटिलेशन देखने के लिए मिलेगा, जो गर्मी में काफ़ी राहत देगा। और नेक्स्ट अपडेट तो आप लोग गैस भी कर सकते हैं, वो होगा एम्बियंट लाइटनिंग का। ये फीचर हमें टॉप ऑफ द लाइन तक ही देखने को मिलेगा, लेकिन ये हमें देखने के लिए मिल जाएगा गाड़ी के डैशबोर्ड पे, डोर्स पे और डैशबोर्ड्स के नीचे भी। इस फीचर से रात के टाइम में अलग ही फील आती है और इंटीरियर देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम भी लगता है। और गाड़ी में अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें 360 डिग्री देखने का कैमरा फीचर मिलेगा। ये फीचर हम लोगों को पार्किंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और इंजन जो हमें प्रोवाइड करवाए जा रहे थे फिलहाल, तो वही देखने को मिलेगा, लेकिन ट्रांसमिशन में इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। अभी टाटा नेक्सोन में हमको AMT गियरबॉक्स प्रोवाइड करवाया जाता है, इसको कह सकते हैं ज़्यादा बढ़िया गियर शिफ्ट नहीं होती और लैग वगैरह भी थोड़ा बहुत फील होता है। और इसको ध्यान में रखते हुए टॉर्क कन्वर्टर और DCT के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। कुल मिला के नेक्स्ट जनरेशन टाटा नेक्सोन का ये डिज़ाइन वाइज भी, फीचर वाइज भी काफ़ी अपडेटेड देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाले अपडेट्स को जानने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।